उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मलोट वडाहा गांव के लोग विशेषकर महिलाओं ने वहां खुलने जा रहे शराब के ठेके के विरुद्ध मंगलवार देर शाम मोर्चा खोल दिया। उक्त गांव के महिलाओं मंडलों व जनप्रतिनिधियों ने भी मलोट वडाहा गांव के कुलाड़ा के दरमियान शराब का ठेका खोलने का विरोध जताया है। महिलाओं ने दो टूक कहा है कि यदि शराब का ठेका खोला गया तो न केवल महिलाएं चक्का जाम करेंगी बल्कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। महिलाओं का कहना है कि उनकी बेटियां उक्त रास्ते से स्कूल जाती हैं और शाम को गांव की बहू बेटियां सैर करने उसी तरफ जाती हैं। यदि वहां ठेका खोला गया तो महिलाएं किसी का भी सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यहाँ पर ठेका खोला गया तो महिलाएं स्वयं लाठी उठाएंगी और यदि मामला हल नहीं हुआ तो ठेके को आग लगा दी जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन व संबंधित विभाग की होगी। लोगों ने बताया कि उन्होंने एसडीएम इंदौरा को 24 मई को इस बारे एक शिकायत पत्र दिया था और एसडीएम कह रहे हैं कि कार्रवाई चालू है। बावजूद इसके यहां पर ठेका खोलने के लिए 3 के दुकान नुमा 2 खोखे बना दिए गए हैं, जिस कारण वे लामबद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे एसडीएम इंदौरा एटीसी नूरपुर की भी सूचना प्रेषित कर दी गई है। यदि फिर भी यहां शराब का ठेका खोला गया तो वे अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर डहा कुलाड़ा पंचायत ने उक्त ठेके को खोलने के बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसके चलते दोनों गांव के लोग ठेके को खोलने अथवा ना खोलने को लेकर परस्पर आमने सामने आ गए हैं। डहा पंचायत की प्रधान रीता देवी का कहना है कि जो लोग ठेके का विरोध कर रहे हैं वे गांव में बिकने वाली अवैध शराब बंद करवा दें तो उक्त ठेका भी यहां से हटा दिया जाएगा। एसडीएम इंदौरा गौरव महाजन ने बताया कि इस संदर्भ में शिकायत पत्र आया था क्योंकि यह मामला आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आगामी कार्यवाही हेतु एटीसी को भेज दिया गया है। क्या नाम आपका? रचना पठानिया। क्या समस्या? सर, ये जो इधर शराब का ठेका खुल रहा है हम इसके विरोध में हैं, बहुत ही ज़्यादा। आने वाले जो मतलब कि बच्चे हैं इसकी वजह से वो भी बिगड़ जाएंगे। ऑलरेडी मलोट में इतनी ज़्यादा शराब है, इतनी ज़्यादा शराब है, घर घर दुखी है शराब की वजह से, और ये ठेका खुलेगा तो मलोट विल बी डिस्ट्रॉयड, फुली डिस्ट्रॉयड। अगर ठेका खुलता है तो आपकी तरफ से, मेला मंडल की तरफ से क्या किया जाएगा? सर, हम कड़ा विरोध करेंगे, बहुत ज्यादा। किस तरह का विरोध? धरना भी देंगे, रास्ता भी रोकेंगे, जो भी बन सकेगा हम करेंगे, बट ये नहीं खुलना चाहिए और ना ही हम खुलने देंगे। तो ये आपकी तरफ से किसी विभाग को, पहले किसी अक्षाई विभाग को, किसी को शिकायत की गई इसके बारे में? यस, ऑफ कोर्स किया। कौन सी विभाग को शिकायत की? सर, एसडीएम, देन ईटीओ। उनकी तरफ से क्या जवाब आया? सर, अभी तक तो कुछ नहीं, बट उन्होंने कहा कि कार्रवाई चालू है। शिकायत कब किया गया आपकी तरफ से? मैं सुरेंद्र कुमार, एक्स बीडीसी गांव मलोट, वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूं। मेरे गांव के नज़दीक जो काम हो रहा है बहुत घटिया और गंदी हरकत हो रही है, क्योंकि सरकार नशे पे लगाम लगा रही है। इधर हमारे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इधर शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। इसके लिए हमारी जितने महिला शक्ति है सब इसका विरोध करती है। धन्यवाद। क्या आप विरोध नहीं कर रहे हैं महिला शक्ति? हाँ, हम भी उनके साथ ना, हम उनके साथ विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सुजाता जी। क्या आप महिला मंडल के? आप महिला मंडल के उप प्रधान। क्या समस्या आपकी? क्यों विरोध? शराब की। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध करने के लिए हम तैयार हैं, जो भी काम हमसे होगा, जो जहाँ भी जाना पड़ेगा हम वहाँ पर जाएंगे। दीपक ठाकुर, गांव मलोट का स्थायी निवासी हूँ। मैंने 4 दिन पहले महिला मंडल उप प्रधान, प्रधान और सेक्रेटरी से एक एप्लीकेशन लगवाई और मैंने वो एसडीएम कार्यालय इंदौरा में दी। जिस टाइम दी तो एसडीएम साहब ने मुझे बताया, मैंने ले लिया एप्लीकेशन आपकी और उन्होंने ईटीओ को, ईटीओ नूरपुर को लिख दिया ये ठेका शराब का बंद होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ली और रीडर से मैंने उसको फैक्स करवाया ईटीओ नूरपुर। तो एसडीओ साहब ने मुझे पूरा दिलासा दिलाया कि हम जितनी भी कोशिश करेंगे ये ठेका बंद होना चाहिए। धन्यवाद। कामनी वाला, मैं महिला मंडल की अध्यक्ष सदस्य हूँ। हमारे जहाँ जो हमारे गांव के पास ठेका खुल रहा है ना, हम उसके विरोध में सभी औरतें इकट्ठी हुई हैं।
अगर हमको इसके लिए किसी से लड़ाई झगड़ा अगर रास्ता भी जाम करना पड़े हम करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, लड़कियां आती जाती हैं, हमारी औरतें शहर के लिए सुबह शाम जाती हैं। हम इसके विरोध, अगर किसके साथ झगड़ा, डंडा, लाठी जो भी चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। हाँ जी, आग लगाने पड़े तो हम लगाएंगे। मैं बलवान सिंह, ग्राम पंचायत गोड़न का पूर्व प्रधान। हमारे गाँव मलोट में जो पुल के पास जो इंडस्ट्री एरिया है, इसके साथ ही जो शराब का ठेका खुल रहा है, उसका सारे गांव वाले विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो महिलाएं वर्ग है, शाम के समय और सुबह के समय शहर के लिए इधर जाते हैं, और उसी के तहत गल की कोई भी महिला, कोई भी परिवार, हमारा जो युवा वर्ग है, पंजाब के साथ लगता हमारा बॉर्डर एरिया है, लेकिन हमारे गांव के जो नवा जनरेशन, नई पीढ़ी है, वो अभी तक गल की इस नशे से वंचित है। लेकिन हम नहीं चाहते जहाँ पे शराब का ठेका खुले, और गलगी जहाँ के आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ी है जो इस नशे की दलदल में फंसती चली जाए, और हमारी जो माताएं बहनें सैर करने के लिए शाम के समय या सुबह जाती हैं, और उनके ऊपर भी कोई आँचा, कोई ऊंची आवाज़ में बोले, अगर सरकार जहाँ पर ठेका खुलने का फिर भी विरोध के बावजूद भी प्रयास करती है, तो गाँव वाले जो महिला वर्ग है, जो सभी गाँव के लोग हैं, इसका कड़ा विरोध करके एक दिन चक्का जाम भी करने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात का सरकार को आगाह कर देना। मैं ग्राम पंचायत डाक लाड़ा, प्रधान रीता देवी, जो भी इस गांव के बोर्ड सभी बोल रहे हैं ठेके के बारे में, तो उनको पहले ये बोला जाए कि जितनी भी वैध शराब जहां बिक रही है उसको सभी को बंद किया जाए। तो जिस दिन वो बंद कर देंगे तो हम दूसरे दिन ठेका बंद करवा देंगे।